अगर हमें बस मिल गई तो हम तो बस पर चल पड़ेंगे, नहीं तो पैदल ही जाना पड़ेगा। चुकी सी ये देखिए, काफी बड़ी लकड़ी मिली है हमें। दोस्तों गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है पुष्पा। आप सभी का स्वागत है पांगी के इन खूबसूरत पहाड़ों में। दोस्तों तो आज मैं और मम्मी जा रहे हैं जंगल में लकड़ी लेने, क्योंकि अब ठंड का टाइम आ चुका है तो बर्फ़ कभी भी गिर सकती है। तो हम जा रहे हैं जंगल में, तो जो भी हमें सूखी लकड़ी मिलेगी हम उसको लेने जा रहे हैं। तो दोस्तों आप भी बने रहिए हमारे साथ, तो आपको भी दिखाते हैं कि हम लकड़ी कैसे लाते हैं। दोस्तों तो अभी हम कर रहे हैं बस का वेट, क्योंकि यहाँ से जंगल काफ़ी ज़्यादा दूर है। तो हम जाएंगे बस पर, अब देखते हैं हमें बस मिलती है कि कुछ और लिफ्ट मिल जाती है। वो हमारे घर से जंगल के लिए लग जाता है कोई एक घंटा। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं जंगल में, तो अभी हमें लिफ्ट मिली हुई, तो वो जान पहचान वाले ही थे तो उन्होंने हमें लिफ्ट दी। तो अभी हम पहुंचे हैं जंगल में। दोस्तों अभी हम जाएंगे यहाँ से नीचे और देखते हैं हमें मिलती है कि नहीं मिलती है लकड़ी, क्योंकि थोड़ा मुश्किल होता है आजकल लकड़ी मिलना। तो मम्मी जा रही है इस साइड और मैं जाऊँगी इस साइड। और ये जो आप नीचे सड़क देख रहे हो, ये प्लेग्राउंड और पुंडों के लिए जाती है सड़क। तो आपको यहाँ का थोड़ा सा व्यू दिखा देते हैं पहले। ये देखिए यहाँ का व्यू। दोस्तों अभी धूप भी नहीं लगी हुई है, क्योंकि हम सुबह ही आ चुके हैं जंगल में। दोस्तों काफी ज्यादा टफ रास्ता है। दोस्तों ये आप जो पेड़ देख रहे हो देवदार के पेड़ हैं। दोस्तों देखिए ऐसी ऐसी लकड़ी हमें ढूंढनी है जो सूखी हो। ये देखिए, तो अब इसको काटते हैं, तोड़ते हैं थोड़ा सा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबी लकड़ी है। दोस्तों हल्की हल्की धूप भी लग चुकी है पहाड़ की चोटियों में, तो अभी यहाँ पर पता नहीं कितने बजे तक लगेगी धूप। तो आप देख सकते हो जंगल काफ़ी ज़्यादा घना है यहाँ पर पेड़ पौधों से। दोस्तों तो यहाँ पर हमें एक बड़ी सी लकड़ी भी मिल चुकी है सूखी सी। ये देखिए काफी बड़ी लकड़ी मिली है हमें। दोस्तों मैंने इतनी लकड़ी इकट्ठी कर ली है और मम्मी भी अभी थोड़ी सी लकड़ी और तोड़ रहे हैं। धूप भी लग पड़ी है लगभग। तो अभी टाइम हो रहा है 9:30, तो हमारा बोझा लगभग हो चुका है पूरा। तो अभी हम थोड़ी देर में बोझा लगाने वाले हैं। दोस्तों मैंने अपना बोझा लगभग लगा लिया हुआ है, तो यहाँ पर थोड़ी बहुत लंबी लकड़ी थी तो मम्मी अभी उसे तोड़ रहे हैं। तो ये इस लकड़ी काफ़ी ज़्यादा सूखी है, एक बार में ही टूट जाती है। ये देखिए, और अभी हमें जाना है उधर ऊपर, क्योंकि सड़क वहाँ पर ऊपर आपको दिखाई दे रही होगी वहाँ पर है, तो और भी लोग आए हुए हैं यहाँ पर। दोस्तों ये देखिए मेरा ग्लव्स जो लकड़ी तोड़ने से पूरी तरह से फट चुका है। तो अभी मम्मी यहाँ पर मेरा बोझा पूरा कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ी कम थी लकड़ी तो अभी बोझा लगा रहे हैं। दोस्तों तो बोझा मेरा तैयार हो चुका है, तो अभी मम्मी यहाँ पर इसके साथ रस्सी बांध रहे हैं। तो पांगी में इसी तरह से ही बोझा बनाया जाता है, तो क्योंकि इसको पीठ में उठाया जाता है, तो पीठ में जब इसको उठाते हैं तो आसानी होती है। तो मेरा बोझा तैयार हो चुका है, अब मिलते हैं आपसे ऊपर सड़क पर।
दोस्तों हम सड़क पर पहुंच चुके हैं और अभी कर रहे हैं लिफ्ट का वेट। अब देखते हैं मिलती है कि नहीं मिलती है, नहीं तो पीठ पर ही उठा के घर पहुंचाना पड़ेगा ये बोझा। तो अभी धूप लगने के बाद कुछ इस तरह से आपको व्यू देखने को मिलेगा। दोस्तों हमें लिफ्ट मिल चुकी है, तो गांव के लोग जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, सभी की मदद करते हैं। तो थोड़ी देर में हम अपने गांव में पहुंच चुके हैं। दोस्तों हमने अपना बोझा वहां पहुंचा दिया है जहां हमने अपनी लकड़ी रखनी है। तो यहां पर अभी मम्मी ठीक कर रहे हैं लकड़ी, तो यहां पर हम लकड़ी डालने वाले हैं। और ये है हमारा गाँव दोस्तों, यहाँ पर शिव जी का मंदिर भी है छोटा सा।